जी नमस्कार, न्यूजीलैंड की हमारी संघ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सतीश सिन्हा और हाजिर हूं लेकर दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर। खबरों की शुरुआत आज हम करेंगे दिन भर के उस हॉट न्यूज के बारे में जिसकी चर्चा आज सुबह से लगातार हो रही है। खबर है कांग्रेस से जुड़ी हुई। आज गिरिडीह में कांग्रेस के नए भवन का शिलान्यास कार्यक्रम होना था, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शाह सूबे के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, साथ ही जामताड़ा के विधायक और प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी के साथ कई बड़े नेता गिरिडीह पहुंचे थे। धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था और अच्छा तामझाम किया गया था। लेकिन इसी बीच कार्यक्रम के दौरान कुछ हंगामा भी हुआ, हालांकि उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम चर्चा करते हैं शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर। हल्ला गुल्ली कर रहे हैं। वकील अहमद जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सम्मान देता हूँ बेंगू इस बार में उपस्थित अशोक चौधरी जी, कमलेश जी, मंजू जी, नवीन जी, नवीन भैया इधर देखिएगा। नवीन भैया जिंदाबाद, हालांकि शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान कांग्रेसियों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया। सूबे के बड़े नेता के सामने ही कुर्सियां फेंकी गई, जिलाध्यक्ष के खिलाफ नारे लगाए गए। कार्यकर्ता इतने आक्रोशित थे कि वो वहीं कार्यालय में धरने पर बैठ गए। एक घंटे तक यह हंगामा चलता रहा, यहां तक कि पुलिस को बुलानी पड़ी। लेकिन चूंकि अभी धरना का दौर चला आ रहा है, विशेषकर कांग्रेसियों के द्वारा, तो इस दौरान भी धरना लगातार जारी ही रहा। चलिए हम बात करते हैं आखिर मामला क्या था। मामला था गिरिडीह के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, पूर्व सांसद और वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के संयोजक, जी हाँ, तिलधारी सिंह जी के बारे में। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि समर्पित कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिया गया। एक आरोप यह भी लगा कि अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं को उपेक्षित किया गया, जिसको लेकर नेता कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे। बैठ सकते हैं नहीं, उसके सेवा स्वागत के लिए हम लोग बैठ सकते हैं कि नहीं, कैसे क्या करना है नहीं करना, जो आप सब बैठिए। पार्टी हमारा है, पार्टी में हम लोग कुर्बानी दिए हैं, पार्टी में जवानी पूरा दिए हैं। अब कोई आदमी चाहेगा कुछ करके निकल जाए और हम चुपचाप मुख दर्शक बने रहे तो वो क्यों नहीं दिया गया। उनका नाम सिलापट में क्यों नहीं दिया गया, ये कोई जांच का विषय है। कौन लोग इस साजिश में शामिल है, कौन है जो कौन लोग हैं जो चोले पहन करके भाग जाए।
कमेटी में हम लोग निर्णय लिए हैं, जो कुछ लोग यहाँ जैसे नवीन के लिए जो प्रपोजल आए थे उसमें पहले से भी जो मेरे भाई हम लोग के हैं आज हमारे बीच पधारे हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मंत्री श्री रामेश्वर उरांव जी। हालांकि कार्यक्रम के बाद मंत्री महोदय से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि यूं तो कार्यक्रम में नेताओं के भाषण सुनते सुनते नींद सी आने लगती है, उम्र से बेहतर है कि हंगामा किया जाए और यह हंगामा उन्हें अच्छा भी लगता है। उन्होंने इस बारे में क्या कुछ कहा उन्हीं से सुनते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, कल हम आगे बढ़े। कल हमारे पास छोटा मोटा घर था, 6 महीने के बाद हमारा बड़ा और सुंदर घर कल हम आगे बढ़ रहे हैं। आज शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान भी जो है कुछ कांग्रेसी के द्वारा प्रदर्शन किया गया है, नाराजगी व्यक्त की गई है, तो क्या समझते हैं कि पार्टी यहाँ पर जिला कमेटी में ठीक ठाक नहीं चल रही है? ऐसा है, मैं वो सारे को कमेंट नहीं करवाती। मैं खुश होता हमारी पार्टी जिंदा है और मैं भाषण दूँ कि हमारे साथी लोग भाषण दें और कुर्सी में बैठ कर लोग उन्हें सो जाए, वो ऐसी नहीं चाहते हैं, हल्ला करें, खुश होते हैं। क्या उसके दिल में है वो निकाले अपना भड़ास, हम बहुत खुश होते हैं। हमको मालूम हो गया ना कि क्या कमी है, अगर कोई कमी है तो उसके बारे में हमको मालूम हो जाता है और मैं खुद उसको सुधारने की कोशिश करूंगा, पार्टी को सुधारूंगा। कल ट्रैक्टर रैली है, इसके लिए क्या तैयारी? ट्रैक्टर रैली बहुत जबरदस्त तैयार है, लगभग 2000 ट्रैक्टर्स आएंगे और मटवारी के गांधी मैदान में हजारीबाग और 10,000 से ऊपर लोग आएंगे, 10,000 तक कम बोल रहे हैं, ऊपर जितना आना होगा ऊपर आएंगे सभी। हम लोग पूरे राज्य के लोग जुटेंगे, जिला अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष सभी लोग आ रहे हैं और जो किसान है वो आ रहे हैं। सबसे खासियत ये है कि किसान आ रहे हैं अपना ट्रैक्टर लेके। ट्रैक्टर किसके पास होता है? किसान के पास, उद्योगपति के पास तो होता नहीं है। किसान लोग आ रहे हैं, देखे केंद्र सरकार, देखे राज्य की भाजपा पार्टी, देखे कहती है कि किसान लोग नहीं होते हैं शामिल, ताकि देख लो, पहचान लो, खेत पूछ लो, खतियान का नंबर भी ले लो, उसका प्लॉट नंबर कितना वो है उसका, ये सब देख लो। हम किसानों की रैली कर रहे हैं, किसानों के आग्रह पर, किसानों के कहने पर कल होगा। लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि ऐतिहासिक होगा। 1940 में जो रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था, लाखों की संख्या हम लोग जुटे थे रामगढ़ में 1940 में गांधी जी को देखने के लिए और सुनने के लिए, उससे वैसा तो नहीं होगा लेकिन उससे कम भी नहीं होगा। इतिहास तो आने वाले समय में लोग याद करेंगे कि हाँ, कांग्रेस पार्टी ने 2021 में फरवरी महीने में 20 तारीख को रैली किया था, उसका अपना इतिहास आने वाले समय में उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत इस समय केंद्र में भाजपा सरकार के विपक्षी पार्टियों का सबसे बड़ा मुद्दा किसान को लेकर है, किसान आंदोलन है। उसके बाद यदि कोई दूसरा मुद्दा अभी फिलहाल में है तो बढ़ती महंगाई को लेकर है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि यह मामला हर एक आमो खास से जुड़ा हुआ है। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्री महोदय ने इस बारे में काफी चर्चा किया, चलिए उन्हीं से सुनते हैं कि उन्होंने आखिर क्या कहा। राज्यों को वैट कम करना चाहिए ताकि कीमत घटे। मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी भी रहा, मैं जानता हूँ कि कीमतें कैसे तय होती हैं पेट्रोल और डीजल। एक तो क्रूड ऑयल जो बहुत कम है, 4500 लगभग, इसके बाद 4500 टैक्स लगा दिए, हम तो बहुत कम लगाए हैं, इसे दाम बढ़ा हुआ, दाम जो बढ़ा हुआ 100 रुपये से ज़्यादा चला गया उनके टैक्स से बढ़ा हुआ है, ये बताना चाहेंगे। जहाँ तक हमें कह रहे हैं, हमको सिखा रहे हैं कम करो, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपका आपके पास तो अनेक टैक्सेस हैं, अनेक तरह के टैक्स हैं, इनकम टैक्स है, एक्साइज टैक्स है, कौन कौन टैक्स है, सब टैक्स है, इम्पोर्ट ड्यूटी है, सब तरह का है। और इतना ही नहीं, टैक्स से अगर पैसा घट जाए, आपको कमी हो जाए खर्च में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके पास है, आप उसे नोट छपवा सकते हैं। हमारा क्या है,
हमको वैट है, वैट है एक्साइज ड्यूटी, हमारा एक्साइज का तो वैट को घटा दें, एक्साइज का चीज़ हम घटा दें, हम टैक्स घटा दें, हमारे पास रहेगा। हमको आपसे सरकार से भारत सरकार से ज़्यादा गरीबों के लिए, वो तो बड़े लोग खर्चा करती है, हम तो गरीबों के लिए करते हैं। अब एक उदाहरण देते हैं, सुरक्षा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन भारत सरकार कितना देती है दिव्यांग को, 200 रुपये प्रति महीने, और वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन 300 रुपये महीना, हम कितना दे रहे हैं जोड़ करके, 800 रुपये देते हैं दिव्यांग में, 1000 देते हैं, 800 रुपये दे करके विधवा वृद्ध पेंशन में 700 जोड़ करके हम 1000 देते हैं, 200-300 देते हैं। हमने इस बार रिक्वेस्ट किया डॉक्टर से मिस्सी के मार्फत से कि आप बैठिए, गरीबों के हाथ में पैसा ज़्यादा होना चाहिए, मंदी दूर करने का हर अर्थशास्त्री बोलता है कि मंदी दूर करना हो तो कस्टमर के हाथ में, कंज्यूमर के हाथ में पैसे होना चाहिए, वो खर्च करे, बाजार का एक्टिविटी बढ़े, है ना, ये तो आप तो कर नहीं रहे, और हम ही कह रहे उल्टा, हम कम करके कैसे देंगे पेंशन गरीबों को, आप दे रहे हैं क्या, आप तो दे नहीं रहे, 200 रुपये देते हैं, है ना, तो ये जो है घटाने का सवाल नहीं, हम लोग नहीं घटाने जा रहे हैं। केंद्र सरकार तो राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए कह रहे हैं कि हम डीजल पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाए हुए हैं। देखिए राजकोषीय घाटा होने से क्या होता है, मूल्य बढ़ते हैं, आज के समय में मूल्य बढ़ रहा है, और जो कह रहे हैं उसका दलील में सच्चाई नहीं, आप पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा के मूल्य बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल और डीजल का दाम, पेट्रोल का डीजल बढ़ा दाम बढ़ा दिए, अब जितना पेट्रोल से चलने वाली चीज़ें हैं ट्रांसपोर्ट है सब किराया बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो जो माल्ट होते हैं उसका किराया बढ़ जाएगा, माल का किराया बढ़ जाएगा तो प्राइस बढ़ जाएगा, मूल्य बढ़ जाएगा, खुदरा मूल्य है ना, होलसेल मूल्य दोनों बढ़ जाएगा। पंजाब के नगर निकाय चुनाव से कांग्रेस कितना उत्साहित है? देखिए एक इंडिकेशन है पूरे